वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मैडा वेस, गुन ही परिया मैं फिरा, लोक कहे दरवेस। फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसे रब माहे, मंदा किसनो आखिए, जात इस बिन कोई नाहे। फरीदा बुरे दा पला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब किछ पाए। कवण सु अखर कवण गुण, कवण सुमणिया मंत, कवण सुवेसो हो करी, चित वस आवे कंत। निवण सु अखर खवण गुण, जेहबा मणिया मंत, एत्रे पैणे वेस कर, तावस आवी कंत। आज जिड़े में श्लोक विचार ले लेते हैं, ये श्लोक फरीद साहिब जी दे उचारे होए हन, ते वैसे ते सारी बाणी ही सानू ए समझा दिंदी है कि एक सिख नू की करना चाहिदा है ते की नहीं करना चाहिदा है, अते सानू रब्बी गुण अपनाने चाहिदे हन, विकारा नू छड़ के सत संतोख दया धर्म अते तीरज। आओ असी भगत फरीद जी दे श्लोका वल चल के देखिए क्यों की समझांदे हन। फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मैडा वेस, गुन ही परिया मैं फिरा, लोक कहे दरवेश। भगत फरीद जी अपने आप नू नीवा विखाने हुए आखदे हन कि हे दुनिया दे लोको, मेरा लिबास पावे फकीरा वाला है, पर मेरे अंदर ओ गुण नहीं हन जो एक फकीर दे अंदर होने चाहिदे हन। गुरु नानक पातशाह जी भी जब जी साहिब विच आखदे हन, असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर। गुरु नानक पातशाह जी ते अपने आप नू बुरे लोका विच शामिल करदे होए आखदे हन कि इस संसार दे विच झूठ बोलण वाले गुनेगार ते कुड़ियार मनुखण, ते मैं भी उन्हां दा कोई उच्चा नहीं हां। इत्थे शब्द वरतिया है नानक नीच कहे विचार, इत्थे नानक दे कके नू औकड़ आई है ते नीच दे चचे नू भी औकड़ आई है, जिस तो ए स्पष्ट हुंदा है कि उन्हां ने ए शब्द अपने लई वरतिया है। ते भगत फरीद जी इसी भावना विच लोग आख रहे हन कि मेरे कपड़े काले हन, ते मैनू एदा लगदा है मेरे कर्म भी काले ही हन, मैं अवगुणा दे नाल परिया होया हां, परे बोले पाले लोग मेरे लिबास नू वेख के मैनू कोई वड्डा दरवेश या वड्डा फकीर समझदे हन। पर अज असे समाज दे विच नोटिस करिए कि सानू किसी चीज दा ज्ञान हो जांदा है या धर्म दे अंदर दो चार चंगे काम कर लेंदे हां, ते साडा अहंकार उछाले मारन लग पैंदा है और असी अपने आप नू दूसरिया तो कुछ खास समझन लग पैंदे हां। निम्रता दी मिसाल ते सानू इतिहास विच बड़ी देखन नू मिलदी है। जद बाबा श्री चंद जी गुरु रामदास जी नू मिलन गए सी, ता उन्हां तो सवाल पुछदे हन कि तुसी इन्ना वड्डा सोना दारा क्यों वधाया है, ते ओह बड़ी निम्रता नाल जवाब दिंदे हन कि मैं इन्ना वड्डा दारा तुहाडे वर्गे महापुरशां दे चरण चाड़न लई वधाया है, ए है निम्रता। अगर बाणी पढ़ के भी सिख दे अंदर निम्रता ना है ते इहदे चंगी गल नहीं ना। भगत फरीद जी ने इस श्लोक विचो सानू निम्रता दा गुण सिखा दिता। आओ अगले श्लोक वल चल के देखिए कि भगत फरीद जी की आखदे हन।
फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माहे मंदा किसनो आखियें जा तिस बिन कोई नाहे। ये श्लोक पंजवे पातशाह जी दे ओ श्लोका विचो है जो इन्होंने भगत फरीद जी दे श्लोका विच उच्चारण किया है। पातशाह जी आखते हैं कि हे फरीदा, ओ अकाल पुरख आप इस खलकत दे विच मौजूद है। जो आप इस खलकत दे विच मौजूद है ते असी बुरा किसनू आख सकते हाँ। ते फरीद साहिब जी दे बचना दी पुष्टि करदे होए पातशाह जी आखते हैं कि किसी नू बुरा आखन दी थां सानू अपने अंदर ही परचोल करनी चाहिए है। सानू सब दे अंदर रब जी दिखाने चाहिए हैं। एज अ सिख होने के नाते कि मेरा यह फर्ज नहीं बनता कि मैनु सब दे अंदर रब जी दे दर्शन होन। और ये अवस्था ताही बनती है जब मैं गुरु शब्द नू अपने हिरदे विच वसावंगी। भाई कन्हैया जी वे तो सबनों पानी पिलांदे सी, दुश्मन आदि भी मरम पट्टी करदे सी। और जब एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने बुला के पूछया कि तुसी इदा क्यों करदे हो, तो वह कहिंदे हन कि मैनू सब दे अंदर तुहाडे दर्शन होंदे हन। और सानू ये अवस्था ताही बनती है जब बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मुए पाई। इस श्लोक विचो पंजवें पातशाह जी ने सानू सब दे अंदर रब देखना सिखा दिता। आओ अगले श्लोक वल चल के देखिए कि फरीद जी की समझाते हैं। फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लग गई पल्ले सब किछ पाए। फरीद साहिब जी आखते हैं कि संसार दे विच जे कोई सानू बुरा दिसदा है या बुरा जपदा है तो सानू उसके बारे चंगा सोचना चाहिदा है, भाव उन्हों बुरे कर्मा तो हटा के चंगे कर्मा वल लियान दी कोशिश करनी चाहिदी है। हुण असी एक एग्जाम्पल दे नाल समझन दी जतन करिए कि किसी शराबी नू शराबी कहन नाल कि ओ शराब छड़ दिंदा है, सगो नू प्यार नाल समझाइए, गुरबानी दे नाल उदी सांझ पाइए ते पेड़े तो पेड़े मनुख दा भी जीवन बदल सकदा है। सज्जन ठग वर्गे पापी जद सही राह ते आ गए, एक शब्द ने उसका जीवन ही बदल के रख दिता। और संगत जी इस तो सानू ए लाभ हुंदा है, पहली गल असी क्रोध वाली पैड़ी बिरती तो बचन जे हाँ जो साडे शारीरिक ते मानसिक रोगों का कारण है। दूजा लाभ ए हुंदा है कि साडी चोली दे विच परमात्मा जी की सेवा पै जांदी है। इस श्लोक विचो सानू भगत फरीद जी ने बुरे का भी भला करन का गुण सिखा दिता। आओ अगले श्लोक वाल चल के देखिए कि भगत फरीद जी होर की समझाने हन। कवण सु अखर कवण गुण कवण सु मणिया मंत कवण सु वेसो हो करी जित वस आवे कंत। हुण इस श्लोक दे विच सवाल ए उठदा है कि हे मेरी भैण, हे मेरे सत्संगी मित्रो, ओ केड़ा बोल या अखर है, ओ केड़ा गुण है, ओ केड़ा श्रोमणी मंत्र है जिसनू जपन दे नाल परमात्मा जी मेरे ते तुहाडे पर दयालु हो जान। मैं केड़ा ऐसा श्रृंगार करा या लिबास पहना जिसनू वेखन दे नाल मेरे पति ते मेरे परमात्मा जी दोनों मेरे वस विच आ जान। वो सारे गुण केड़े हन जो एक संसारिक स्त्री अपने पति नु प्रसन्न करन वास्ते तारण करदी है। आओ असी भगत फरीद जी कोलो इस गल दा बड़ा प्यारा जवाब सुनिए। निवण सो अखर खवण गुण जेह बा मणिया मंत ए त्रै पैणे वेस करे तावस आवी कंत। बड़े प्यारे बचन फरीद जी जतन करदे हन कि हे मेरी भैन, अपनी होमे नू मार के
अपने अहंकार दा नाश करके सानू नीवा होके रहना है। ए किसी नू प्रसन्न करन दा पहला गुण, मिठा बोलना, प्यार नाल किसी नू समझाना, प्यार नाल किसी दी गल सुननी, ए सब तो श्रेष्ठ मंत्र है। हे मेरी भैण, अगर तू परमात्मिक पति दी खुशी हासिल करना चाहती है ना, ते काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेस, ए निमरता वाला अखर तू चेते रख। अगर किसी ने तेनू बुरा आखता ते इस शब्द नू चेते रख, बुरे दा भला कर, हर किसी दे नाल मिठे बचना दी सांझ कर, ते आप इस खलकत दे विच वसदा होया रब तेरे हिरदे विच प्रगट होवेगा। ते संगत जी, इस सारे श्लोकां विच भगत फरीद जी ने सानू सब दे अंदर रब देखना सिखा दिता, निम्रता दा गुण सिखा दिता, और बुरे दा भी भला करन दा भी गुण सिखा दिता। विचार कर दिया होया अनेकां पुला चुका दिखेवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।